हेलो एवरीवन, पूनम सुकरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ मैंगो मूस केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको आइसक्रीम केक भी कह सकते हैं। हम इसको आज बहुत ही डिफरेंट तरह से बनाएंगे, एक नए ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। और आज इसके क्रीम को ना हम दूध से बनाएंगे। आप देखिए हमारे मूस केक कितना सॉफ्ट और क्रीमी बना है ना, आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा, बहुत डिलीशियस बनता है। अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मूस केक को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बिना मोल्ड के बना रहे हैं ना इस केक को। तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले ये 5 इंच का पतीला लिया है और बटर पेपर के ऊपर ना हम इस तरह से इसके शेप को ड्रॉ कर लेंगे। और जिस तरह से मैं आपको लाइनिंग दिखा रही हूँ ना साइड से, उस पार्ट्स को ना हमें कट करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इन लाइनिंग्स के ऊपर ना हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे ना, अपने पतीले में हम इस बटर पेपर को इस तरह से फिक्स करेंगे, एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर ओवरलैप करके रखेंगे ताकि कोई भी स्पेस बीच में ना बचे। गैप होगा ना तो बाद में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए कोई गैप नहीं रहना चाहिए। आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे और इसके बाद ना अच्छे से ना हम इसको प्रेस कर देंगे किसी कटोरी या फिर किसी भी भारी चीज़ के हेल्प से, ताकि ये बटर पेपर ना अच्छे से शेप ले ले। और इसके बाद ये जो बचा हुआ एक्सेस है ना, ये पेपर, इसको हम पंच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक साथ हो जाएगा और बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसने इस तरह से शेप ले लिया है, अभी इसको साइड में रखेंगे। नेक्स्ट ना मैंने यहाँ पर ये 10 मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे पीसेस में और फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी मिक्सी जार में और इसका एकदम फाइन सा पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब ना मैं इसमें 2 चम्मच मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ और अब ना इसको मैं फिर से एक बार ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये इस टेक्सचर का हो जाएगा और ना इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ना बाइंड हो सकता है, इस तरह का ये दिखने लगेगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि बटर कम है तो आप इसमें 1 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये ना बिस्किट और बटर वाले मिक्सचर को हम अपने प्रिपेयर किए हुए केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद में इसको हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे चम्मच से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप इस तरह से कटोरी का यूज़ कर सकते हैं, किसी ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रेशर लगाइएगा जिससे कि ये ना एकदम अच्छे से फ्लैटन हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब ना हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर ना मैंने 500 ml फुल फैट मिल्क लिया है। इसको ना मैंने गर्म होने के लिए रखा है। जब तक दूध गर्म हो रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पर 1 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी डालकर इसका एक मिक्सचर बना लूँगी और साइड में रख लूँगी। जब दूध में इस तरह से उबाल आ जाएगा तो हम अपने गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और ये विनेगर पानी वाला जो मिक्सचर है इसको थोड़ा थोड़ा सा डालकर मिक्स करते जाएंगे। वैसे आप चाहे ना तो विनेगर की जगह यहाँ पर नींबू का रस का यूज़ कर सकते हैं। और बस अब इसको मिक्स करते जाएंगे, बैचेस में डालेंगे ये मिक्सचर को, एक साथ पूरा नहीं डालना है, ठीक है। तो ये भी हो गया है बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने अपने पूरे मिक्सचर को डाल दिया। धीरे धीरे ना इससे छेना अलग होने लगेगा, बिल्कुल इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया। सो बस अब क्या करेंगे ना, एक बोल में छन्नी रखेंगे और इसके ऊपर कोई भी कॉटन का क्लॉथ रख लेंगे। और बस अब ये जो अपना छेना वाला मिक्सचर है ना, इसको अच्छे से हम डाल लेंगे इसके ऊपर और एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया है। और बस अब ना हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक ना होल्ड करके रखेंगे ताकि जो भी एक्सेस पानी है ना वो निकल जाए, या फिर आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं एक्सेस पानी को, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं निकालना है। नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। यहाँ पर ना एक मिक्सर जार में मैंने 3 चम्मच चीनी ऐड किया है और इसके बाद ना इसको हम एकदम फाइन ब्लेंड कर लेंगे। एकदम अच्छा फाइन होना चाहिए, ये देखिए एकदम फाइन है। तो अब हमने जो ये छेना रेडी करके रखा हुआ था ना पहले, ये हम इसमें ही ऐड कर देंगे और इसको क्रम्बल करके डालेंगे। आप इसको पनीर कह सकते हैं, छेना कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रेडीमेड पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको ब्लेंड किया है, ये थोड़ा सा ड्राई है। मैं इसमें लास्ट में डालूँगी 2 चम्मच बटर और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच दूध। और ये दूध एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये 2 बड़ा चम्मच दूध मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और ना अब हम इसको एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये ना एकदम फाइन है, इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं है बड़े बड़े, ये देखिए एकदम फाइन है। सो बस ये हमारा रेडी है। तो ये जो फ्रॉस्टिंग है ना, इसको मैं आपको वेट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर ना मैंने ये 150 ग्राम फ्रॉस्टिंग का यूज़ किया है। ये टोटल पूरी फ्रॉस्टिंग है जो मैंने यहाँ पर रेडी की है। टोटल 154 ग्राम है, अप्रॉक्स देखा जाए तो 150 ग्राम है।
तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी फ्रॉस्टिंग यहाँ पर रेडी है। इस फ्रॉस्टिंग में ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम और इसको ना हम अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पर ना हमें स्टिफ पीक्स आने तक बीट नहीं करना है, हल्का सा जब सॉफ्ट पीक्स आ जाए ना तब तक हम इसे बीट कर लेंगे। स्टार्टिंग में अपने स्पीड को लो रखिएगा, धीरे धीरे हाई करते जाइएगा। और यहाँ पर देखिए हमने बीट किया है, बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक्स नहीं है, एकदम सॉफ्ट पीक्स है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं क्रीम की, तो ये परफेक्ट स्टेज है। लास्ट में ना मैं इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच मैंगो पल्प, जिससे कि बहुत ही अच्छा मैंगो का फ्लेवर आएगा। और इसको भी ना एक बार हम बीट कर लेंगे क्रीम के साथ ही, जिससे कि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम एकदम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कुछ मैंगो के छोटे छोटे पीसेस, जो जब हम बाद में कट करेंगे ना तो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए यहाँ पे ये ऐड कर दिया मैंने, और टेस्ट में तो ये अच्छे लगेंगे ही। तो इसको मैं मिक्स कर दूंगी और बस अब चलते हैं अपने ये केक टिन के पास, जहाँ पे हमने बिस्किट को सेट होने के लिए रखा था। ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है। सो बस अब क्या करना है ना, ये जो हमने क्रीम बनाया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों ये जो हमने फ्रॉस्टिंग रेडी किया है ना, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। हल्का से इसको मैं टैप करके लेवल कर लूँगी इस तरह से, ये देखिए। और ना अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखा है, आप चाहे तो आप इसको 5 से 6 घंटे में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अच्छे से टैप करेंगे ताकि अच्छे से लेवल हो जाएगा। तो इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। और अब ना नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर ना ये मैंगो जेल बनाया है। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंगो ले रही हूँ और इसको ना मैं इस तरह से कट कर लूँगी पीसेज में, ये देखिए। आप किसी भी वे से निकाल सकते हैं, मुझे ये वे बहुत ईजी लगता है तो मैं यही वे आपको प्रेफर करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंगो के चंक्स ना बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से ना यहाँ पर पूरे मैंगो के पीसेस को मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद ना इन मैंगो के पीसेस को मैं ट्रांसफ़र करूँगी मिक्सी जार में। यहाँ पर मैंने 2 मैंगोज़ का यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसमें 1/4 कप और 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। और चीनी की क्वांटिटी ना आपके मैंगो के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप मैंगो को एक बार टेस्ट कर लीजिएगा फिर इसमें चीनी ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पल्प बिल्कुल रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इस पल्प को एक पैन में निकाल लूँगी और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और मैंने ना इस पल्प को एक बार अच्छे से छान लिया था ताकि जो मैंगो के रेशे हैं ना वो हट जाए, तो इसको मैंने छान के ऐड किया है, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे से हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे, अगर कोई लम्ब्स वगैरह है ना तो उसको भी हम स्पैचुला से हटा देंगे। इसके बाद ना मैंने पैन को गैस के फ्लेम के ऊपर रख दिया था और अब ना हम इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसको एटलीस्ट हमें 3 से 4 मिनट तक कुक करना होगा और इसकी ना क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी और इसमें इस तरह से उबाल आने भी लगेगा, ये देखिए। तो बस इसको ना आप लेके मिक्स करते रहिएगा कंटिन्यूसली, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ना तो चिपक सकता है पैन से। इस कंसिस्टेंसी आने तक हम इसको कुक कर लेंगे। और इसके बाद ना मैंने इसको गैस फ्लेम से निकाल लिया है, इसको ना मैं चलाती रहूँगी और अच्छे से ठंडा कर लूँगी। मैंने ना एक थाली में नीचे में पानी रखा है जिससे कि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप इसको मिक्स कर करके ही ठंडा कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब ना ये ओवरनाइट तक मैंने इसको रख दिया था ना फ्रीज़र में, तो अब ना मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी धीरे धीरे से। अगर आपको लगता है कि आइसक्रीम नहीं निकल रहा है अच्छे से, तो आप ना पतीले को 3 से 4 बार रब कीजिएगा अपने हाथों से, ताकि ये थोड़ा सा साइड से लूज़ हो जाए और ईजिली निकल जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको निकाला है। अब साइड से जो हमने पंच किया था ना उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसे खोलेंगे, ठीक है। अब एक स्पैचुला लेंगे और अंदर की तरफ ना इस तरह से लगाएंगे और सावधानी से इसको निकाल लेंगे और दूसरे प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब साइड से जो भी यहाँ पे क्रीम ख़राब हो गया है ना उसको हम इस तरह से लेवल कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा स्टेप है, ऊपर से भी मैं इसको थोड़ा सा लेवल कर दूँगी ताकि ये एकदम अच्छे से ईवन हो जाए। ये भी हो गया है, ये देखिए एकदम परफेक्ट है। अब इसके बाद जो हमने अपने मैंगो जेल को बनाया है ना, ये हम इसके ऊपर से इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच रख रही हूँ, आप देख सकते हैं जेल एकदम अच्छा थिक है, तो इस तरह से स्प्रेड हम इजीली कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इस मैंगो जेल का आप शाइन देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से स्प्रेड किया है और इसके बाद ना हम यहाँ पर स्पैचुला से थोड़ा सा मैंगो जेल को भी ना इवन कर लेंगे। एट लास्ट थोड़े से मैंगो के पीसेस और मिंट लीफ के साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। ये देखने में बहुत ही सिंपल है बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप इस आइसक्रीम केक को ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ और उनके रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस बना है, और मैंगो के चंक्स भी बहुत ही अच्छे से विजिबल हैं, तो दिख रहा है ना, बहुत ही टेस्टी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।